Hi everyone, this is Yukti Belwal, and right now I'm at Book My University's Patna office, which is at Boring Road. And today we are with the delegation from Shevchenko National University of Kyiv. We are here in Patna to give information to the students, and we are going to different cities of India to give more and more information. This video is particularly made to give the review for this university through the students' perspective. And later on, we'll also take the information from Miss Yulia about the education level and everything. So first of all, Rajiv, welcome, and thank you so much कि आपने जो है ये interview दिया. क्योंकि देखिए Shevchenko आप जानते हैं बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी हो रही है, स्टूडेंट्स बहुत पसंद भी कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को. और लास्ट ईयर मुझे याद है कि आप बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटी में कंफ्यूज थे, और लेकिन हमने आपको जो है इसके लिए बोला था. तो अभी आपको अपने डिसीजन को लेकर क्या लग रहा है कि क्या आपका डिसीजन अच्छा था Shevchenko चूज़ करने में? एक्चुअली यूक्रेन जो कंट्री है वहाँ का सबसे बेस्ट कॉलेज है तारस. अदरवाइज no better college compared to the Taras. Even I visit in UFM, Bogomilet, but all facilities are available in Taras, and such a nice. Okay. और ये बताइए, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा डरते हैं बच्चे कि भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होगा. लास्ट ईयर भी हुआ था, सारे बच्चे हमारे क्लियर कर गए थे. तो आप क्या बताएंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम से क्या बच्चों को डरना चाहिए? नहीं नहीं, वो एक्चुअली वो बेसिक बायोलॉजी होते हैं, जो जेनेटिक्स इवोल्यूशन एंड सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, एंड बेसिक इंग्लिश होते हैं. बेसिक इंग्लिश हो गए जिसमें 50 नंबर के रिटेन होंगे, 50 नंबर के वाइवा होंगे. ये बताइए कि आप मतलब एंट्रेंस एग्जाम आप कह रहे हो कि काफ़ी इजी है, काफ़ी ठीक है, ओके. तो मतलब बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है. दूसरी बात, आपकी जो क्लासेस होती हैं मॉर्निंग सुबह कितने बजे से शाम को कितने बजे तक होती हैं? डिपेंड अपॉन डे. एक्चुअली क्लासेस स्टार्ट हो जाती है 8:40 से 7 बजे तक क्लास रहती है, बट वो रेगुलरली नहीं रहती है. इवन पर डे आई विजिट ऑन ट्यूजडे, वेडनेसडे, सर हर दिन का अलग अलग रूटीन रहता है. कभी कभी ज़्यादा लंबी होती है, कभी कम होती है. अच्छा. एंड अभी पढ़ाई को लेकर आपका क्या रिव्यू है? वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, नहीं अच्छी है? नहीं, पढ़ाई तो बहुत अच्छी है. हाँ, टीचर हम कोऑपरेटिंग रहते हैं, जो भी डाउट हुआ वो पर्सनली बुला के भी क्लियर कर लेंगे, या इवन अगर जो वो देखते हैं कि ये वीक स्टूडेंट है तो उसे ज़्यादा ही कोऑपरेटिंग हो जाते हैं कि हाँ इसे कैसे भी करके सॉल्व करें. उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है अगर जो वो पढ़ने वाला होता है. ओके ओके, मतलब सपोर्टिव हैं टीचर्स वगैरह. एंड दूसरी बात, इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन कैसी है? जहाँ से आप इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी है जैसे आपका, तो वो कैसा है कनेक्टिविटी वगैरह? एक्चुअली ये तारा शिवचेनको का मेन बिल्डिंग तो वो रेड बिल्डिंग प्लासो यूक्रेना में है, एंड ये तो बीस तक कोविड सेंटर के है, तो मेट्रो स्टेशन है वो हमारे कॉलेज के अंडर में ही आता है, और वो कॉलेज के कैंपस में मेट्रो स्टेशन है, एंड ये मेडिसिन ये बीच कैपिटल के बीचों बीच है, सेंटर में यही सेंटर है. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन बहुत अच्छी चॉइस है स्टूडेंट्स के लिए अब्रॉड जाने के लिए, और स्टूडेंट्स प्रेफर भी करते हैं, बट देन दे गेट कंफ्यूज्ड कि वेयर दे वांट टू गो, विच सिटी दे शुड चूज. सो बिकॉज विद मी इज मिस यूलिया, सो दिस वन क्वेश्चन इन दिस वीडियो फ्रॉम यू, व्हाई डू यू थिंक दैट कीव इज़ अ बेटर सिटी फॉर एनी फॉरनर स्टूडेंट rather than any other city, as we were talking about different cities in Ukraine? Yeah, I think that this is based on different options. So first of all, Kyiv city is the capital. So it is very big, and all the main things that happen in Ukraine, they actually are in Kyiv. As for me, when I was a student, I also
did my education in Kyiv, though I'm not from that city, because I thought that the best education I can have in Ukraine is located in Kyiv. Mm. Kyiv is big, Kyiv is busy. In Kyiv you can find everything, everything you need, everything you would like to do, and everything you would like to study. People are friendly, people know foreign languages, people know English. Everything is created for foreign people to not get lost. Yeah. So we have some European competition, sport competition, or we had two times Eurovision in Kyiv. Yeah, so right. Everything is like it's a very friendly. Happening city also. Yes, and if you want to have interesting cultural life, every day you can find something interesting happening, some concerts, etc. And all the main research institutions are located in Kyiv, mainly the National Academy of Sciences. It's most of its institutions are located in Kyiv, and yes, I think one of among the best hospitals and medical establishments are also in Kyiv. So we have near 150 medical establishments in Kyiv only. In Kyiv only, and near 200 universities. And okay. And why Taras is the best university? Why? Because that's what the rating says. Yes, so the rating says that it's the best university. That was my opinion, because I have chosen it as a student as well. Because in this university only the best academic staff is gathered. So all professors and teachers, they are at least PhD level and more. And of course the facilities, the laboratories, they are equipped as best as we can, because we are the university number one in Ukraine. Tell me something very, one last question. Is the cost of living changes from Ukraine to any, Kyiv to any other city of Ukraine? Yeah, the cost of apartments. Maybe. But the students is studying in, is living in hostel. Yes, if it is hostel, it's absolutely okay. If it is apartment in Kyiv, of course, it will be costlier. Higher. What about other things, basic necessities like food or something? It's the price is... actually, in supermarkets, in price is the same in the the whole Ukraine. Yeah, true. All the supermarkets have the prices similar in all over the Ukraine. It is established in the governmental level, so probably some very cool restaurants, they will be, of course, in Kyiv. They're charging. Yeah, but if it is the basic level that the human requires, it's everything is so. आपको भी ऐसा लगा कि कीव में आपको cost of living ज़्यादा है या कुछ छोटी cities में, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि मैं कीव में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे cost of living ज़्यादा होगा. ऐसा कुछ भी नहीं. ऐसा कुछ भी नहीं है ना. वो basic price जो रहते हैं वो rent. लवी भी हम लोग गए थे वहाँ पे भी देखे कि जो खाने का है KFC का रेट वही है जो है यहाँ भी. तो कॉस्ट कैसे लगा लवीव, आपको लवीव बेटर लगा कीव से? नहीं, बेटर तो मेरे को सी कीव लगा. अच्छा लवीव में थोड़ा उतने अच्छे इंडियंस नहीं है वहाँ. इंडियंस कम है वहाँ पे. तो इंडियंस कम. और कौन कौन से सिटीज जा चुके हैं? बस लवीव. अब जाएंगे तो ओडिशा जाएंगे. नहीं, ओडिशा इज गुड, बट हाँ लवीव में आपको इंडियंस कम मिले. ऐसा लगा कि वहाँ पे सस्ता पड़ेगा आपको या कुछ ऐसा लगेगा? एक्चुअली वहाँ पे मेट्रो चार्जिंग थोड़ा सा कॉस्ट लो है. लवीव में 6 ग्रिविनिया है, यहाँ पे 8 ग्रिविनिया है. मेट्रो चार्ज 2 ग्रिविनिया. बट कीव से लवीव आना जाना भी बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. हाँ, और बहुत पैसे भी लगते हैं.
So, conclusion of the whole seminar which we conducted in all the these days, I personally understood that Kyiv is actually, as we also told you, that one of the good options. And aisa jo aur bhi universities vagaira hai, unse sabse purani university Taras hai. And the professors are of the top level. Jaise ki main discuss kar rahi thi, Miss Yulia said that she told me that at least PhD professors are there, at least. And Yeah, she is herself a PhD professor, and she's assistant lecturer for microbiology, right? So she will be teaching students from the second year onwards. So with every information, if you are choosing Ukraine, choose the best university of Ukraine for the studies, so that your experience in Ukraine is best, the study level is best, your lifestyle is best, everything is better in Kyiv. So I hope if you are going for Ukraine, you will choose Taras Shevchenko University. Thank you so much.